हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे 210 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल है हमारा 10 इनवर्स 4/7 के। ओके, देखिए इसे प्रूव करने के लिए मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड का यूज करूँगा। लेफ्ट में हमें क्या गिवन है, 210 इनवर्स 1/5 प्लस में 10 इनवर्स 1/8। ओके, यहाँ पर 2 टाइम है, 2 है आगे, तो इसे मैं दो बार अलग अलग लिख देता हूँ। 10 इनवर्स 1/5 प्लस में 10 इनवर्स 1/5। ओके, प्लस में हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स 1/8। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूले का यूज करूँगा, जो फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म के लिए ये फॉर्मूला पहले मैं यूज करूँगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/5 प्लस में 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5। ओके, प्लस में 10 इनवर्स 1/8 हमारा एज इट इज रहेगा। तो देखिए 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/5, और इसके डिवाइड में हमें क्या गिवन है, 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 1, और 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और 25 माइन की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस में क्या है 1। ओके, डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 25। ओके, तो इसे मैं पलट कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/5 है, और ये 25 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24। ओके, तो देखिए ये लिखेंगे हम, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, जैसे 5 से 25 कैंसिल हो रहा है हमारा, कितना बचेगा यहाँ पर 5, और 24 से 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा 12। तो हमें यहाँ पर कितना बच रहा है, क्या मिल रहा है, 5/12। ओके, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10 इनवर्स 5/12 प्लस में 10 इनवर्स कितना है हमारे पास, 1/8। ओके, यहाँ पर देखिए एक बार और मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इन पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स 5/12 प्लस में 1/8 डिवाइड में 1 माइनस 5/12 इंटू 1/8। ओके, 10 इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो 40 प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 12 डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96, और डिवाइड में 1 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5, और 12 इंटू 8 96। ओके, तो देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाय 96। ओके, और जो ये डिवाइड में, इसको मैं पलट कर मल्टीप्लाई कर, या हम पहले इसे और सोल्व करेंगे, 96 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 96 माइनस 5 डिवाइड में कितना है, 96। ओके, ये 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या बच रहा है, 10 इनवर्स 52 बाय 96 माइनस 5 कितना बचेगा, 91। ओके, तो देखिए अभी मैं 13 से कैंसिल करूँगा, 13 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 13 इंटू 7 कितना होता है हमारा, 91, तो नीचे हमारा 7 आ जाएगा, तो 10 इनवर्स क्या बच रहा है, 4/7। ओके, तो यही हमारा, हमें राइट हैंड साइड में गिवन है 10 इनवर्स 4/7।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके तो हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।